बुक को देखे, आई एम रीडिंग इट, टेक दिस किस अपॉन thy brow, लड़की से कह रहा है कि किस ले ले आप मुझसे माथे पे। ब्रो का मतलब है फोरहेड, इसके साथ लिखा करें माथे पे, ये किस आप मुझसे ले ले, एंड इन पार्टिंग फ्रॉम यू नाउ, और जब मैं आपसे अभी जुदा हो रहा हूं, मैं आपको किस करूंगा आपके माथे पे, और जब मैं आपसे अभी जुदा हो रहा हूं, पार्टिंग का मतलब है जुदा होना, पार्ट नए तकसीम होना, बस मच लेट मी अबव, मुझे ये बस मुझे ये इतराफ करने दो, समझ रहे हैं? मैं आपको किस करता हूं आपके फोरहेड पे अभी, क्योंकि हम जुदा हो रहे हैं, लेकिन जुदा होने से पहले मुझे ये तस्लीम करने दो, इतराफ करने दो कि क्या, यू आर नॉट रॉन्ग हू डीम दैट माई डेज हैव बीन अ ड्रीम, मुझे ये इतराफ करने दो, आप गलत नहीं है अगर आप ये कह रही है कि मेरे जो दिन गुजरे हैं वो सिर्फ एक सपना था, ठीक है? एडगर एलन पो टॉकिंग टू द लेडी, द करेक्टर इन द पोएम, यू आर नॉट अ लेडी, यू आर नॉट अ लेडी, मुझे ये एतराफ करने दो, अबव का मतलब है एतराफ करना कि जो दिन हमारे गुजरे हैं वो एक ड्रीम था, हमने जाहिर सी बात है अगर मैं आपको फोरहेड पे किस कर रहा हूं, हम एक रिलेशन में है ना, तो इससे पहले हम एक टाइम स्पेंड कर चुके हैं, वो क्या था? ड्रीम था। Dream. क्या था? ड्रीम था, ख्वाब था। येट इफ होप हैज फ्लोन अवे इन अ नाइट और इन अ डे, इन अ विजन और इन नन, अब जबकि ये जो उम्मीद है ये उड़ चुका है, किस चीज का? दोबारा से मिलने का, जिंदा होने का, वक्त को वापस ले आने का, ये उम्मीद तो खत्म हो गया ना, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं, अब ये जो उम्मीद है वो फ्लोन अवे, उड़ चुका है, दिन में हो, रात में हो, जनाब मकसद में हो, विजन में हो, या फिर किसी भी चीज में ना हो, लेकिन उम्मीद उड़ चुका है, उड़ चुकी है, उड़ चुका है, उड़ चुका है। अच्छा, इज इट देयरफॉर द लेस गॉन, क्या ये कम चीज है जो उड़ चुकी है या उड़ चुका है? उम्मीद खत्म हो चुका है, दिन में हो, रात में हो, सोच में हो, या किसी और चीज में हो या ना हो, लेकिन उम्मीद उड़ चुका है, तो क्या ये कोई कम चीज है कि उम्मीद खत्म हो जाए? समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है, ऑल दैट वी सी और सीम इज बट अ ड्रीम विदिन अ ड्रीम, आपको पता है जो हमने टाइम स्पेंड किया है वो एक सपना था, मैं पहले भी कह चुका हूं, ऑल दैट वी सी, जो भी चीजें हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं और सीन, या जो भी चीजें हमें दिखाई देते हैं वो और कुछ नहीं लेकिन एक सपने के अंदर एक सपना है, ठीक है? अंग्रेजी का एक शेर है, वही छे अवल खड़े रहना है रश्मा, माई आईज बिकेम ड्रोजी, मेरी आंखें नशावर हो गई ग्रनेश पे, माय आईज बिकेम रोजी एंड ड्रीम स्लिप्ड आई बिकॉज ऑफ हर, और सपने के अंदर मैंने उसे सपने में देखा, और जब देखा तो सपने के अंदर में बेहोश हो गया, समझ गए? एक ड्रीम जिंदगी है और दूसरा ड्रीम ये है कि ये वक्त गुजर रहा है, तो ये इट हैज द सेम फीलिंग्स लाइक वी आर स्लीपिंग एंड देन वी गेट टायर्ड एंड फेल डाउन, फॉल डाउन, सपने के अंदर गिर जाना, यहां तक समझ गए? थैंक यू, थैंक यू अब्दुल्ला। अब जनाब आई स्टैंड इन अ ड्रॉर, अब हमारे पास दार समंदर गाड़ा या रेगिस्तान दे या जो भी चीज है, अब मैं कड़ा हूं, देखो गोरे, अब मैं कड़ा हूं साहिल समंदर पे, और उधर उसके साइड पे रेत तो होती है ना, I stand amid, amid का मतलब है between the roar, roar का मतलब है शोर पे, शोर के दरमियान में खड़ा हूं, शुभरा जी शुरप साइड पर जो चट्टान वगैरह होता है उस पर लगते हैं, फिर वापस शोर है ना समुद्र के किनारे, मैं उन शोर के दरमियान खड़ा हूं, ऑफ अ सॉफ्ट टॉर्मेंटेड शोर,
सर्फ टॉर्मेंटेड का मतलब है जाग अलूद, सर्फ टॉर्मेंटेड का मतलब है जिसमें बहुत ज्यादा जाग बनता हो और जाग अलूद हो, सही है। शोर का मतलब है साहले समंदर, तो मैं उधर उन चीजों के दरमियान में खड़ा हूं। आप समंदर के किनारे ऐसे खड़े हो जाए तो शह शुर ये सारी चीजें होंगे, आप फील करेंगे उस शोर के दरमियान, उस शोर उर्दू वाला शोर, आवाजों के दरमियान खड़ा हूं। एंड आई होल्ड विद इन माई हैंड ग्रेन्स ऑफ द गोल्डन सैंड, और मैंने अपने हाथ में कुछ सोने की तरह कुछ सैंड्स लिए, रेत लिया अपने हाथ में, मैंने अपने हाथ में एक मुट्ठी भर रेत लिया उस साहले समंदर से, और फिर क्या हुआ, हाउ फ्यू, कितने कम है ये जिंदगी के दिन, टाइम घंटे कितनी तेजी से गुजर रहे हैं, मैंने वो उठा तो लिए लेकिन बहुत कम है, हाउ फ्यू, और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा चुका हैरान है। Yet how they creep through my fingers to the deep, और ये भी देखे कम तो वैसे भी है लेकिन इसके साथ साथ जमा मलास की टिंगेगी ना तेरा उजी, और लांदे समंदर में या पानी में या फिर से जमीन में मिल रहे हैं, गिर रहे हैं, ठीक है। डीप का मतलब है नीचे, डीप का मतलब है गहरा। While I weep, और इसको देखते देखते मैं रोता हूं, मैं इसको देख के रोता हूं कि एक तो कम है, एक तो 60 साल की जिंदगी है और एक इतनी ज्यादा से तेजी से गिर रही है, रुक नहीं रही, टाइम इतना तेजी से खत्म हो रहा है। ओ गॉड, कैन आई नॉट ग्रास्प देम विद अ टाइटर क्लास्प, ओ मेरे खुदाया, क्या मैं इसको ज्यादा ताकत से अपनी मुट्ठी में बंद नहीं कर सकता कि यह ना गिरे, क्या मैं उस लम्हे को जो हमारे बीच गुजरा है उसको मैं रोक नहीं सकता। आप लोगों ने अक्सर यह लोग सुना होगा कि मैं चाहता हूं कि यह लम्हा हमेशा के लिए हो और यह लम्हा कभी ना गुजरे, ठीक था, लेकिन ऐसा कहा होता है, सवाल यह कार तजे गरीब को बकी का ना, गरीब ना अमीर से ज्यादा मेहनत करता है, यह किसने कहा आपसे, मैं ना ठूल जन्नत में होता है यह सब कुछ। तो ओए मेरा खुदाया, क्या कोई अगर इस तरह मैं इसको ग्रास का मतलब है पकड़ना और क्लास का मतलब है गिरफ्त में, इस तरह अपन गिरफ्त में ताकि मैं इसको टाइटली पकड़ सकूं। ओह गॉड, कैन आई नॉट से वन फ्रॉम द पिटीलेस वेव, क्या मैं, पिटीलेस का मतलब है बेरहम और वेव का मतलब है मोज, क्या मैं इस मोज से जैसे चपेना या इस रेत से एक को अपने हाथ में कर नहीं सकता हमेशा के लिए, एक मोमेंट को, एक घंटे को, एक दिन को, मैं हमेशा हमेशा के लिए इसे अपना नहीं सकता है क्या ना। आगे है, इज ऑल दैट वी सी और सीम बट अ ड्रीम, सब बोले बट अ ड्रीम, कुमार शमसा पूछ पे अच्छा लास्ट शेयर में बोलता हूं और बट के बाद आप लोग कहेंगे कि अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, ठीक है। इज ऑल दैट वी सी और सीम बट, वाह वाह वाह।